ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब जापान में भी कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन मिला है, जिसे लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन की तरह ही बहुत ज्यादा संक्रामक है। हालांकि अभी इस पर स्टडी जारी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ब्राजील से आए 4 लोगों में ये नया स्ट्रेन मिला है। 2 जनवरी को टोक्यो एयरपोर्ट पर आए इन 4 लोगों से 3 को सांस में तकलीफ, सिर दर्द और बुखार जैसी कोई ना कोई परेशानी थी, जबकि 1 में कोई लक्षण नहीं था। जापान ने ब्राजील को नए स्ट्रेन के बारे में बता दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी जानकारी भेज दी है।